दोस्तों, आज की वीडियो में रोटावेटर से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या लेकर आया हूं। आज आपको 17, 19, 19, 17 और 18, 18 के गियर का परफॉर्मेंस चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका जो है 17, 19 चल रहा है रोटावेटर पे। 17, 19 और 16, 19 दोस्तों लगभग एक सेम राउंड बनाता है, लगभग 183 राउंड के आसपास दोनों बनाते हैं। 17-19 में दो दांते का फ़र्क होता है और 16-19 में एक दांते का फ़र्क होता है, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम गियर रिप्लेस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्लेस करने की वीडियो अगर आपको डिटेल में देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमने रिप्लेस किया था, उसका वीडियो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब गियर निकाल के गियर दूसरा वाला 19 और 17 करेंगे। तो ये दोनों गियर निकाल लेने के बाद ये 19 है, ये 19 वाला हम जो है ट्रैक्टर पीडीओ में डाल देंगे और 17 वाला जो है रोटावेटर पीडीओ में डाल के फिर अब आप टेस्टिंग में देख सकते हैं। रोटावेटर, ये जैरोवेटर गहराई तो बहुत ज़्यादा ले रहा है पर इसमें ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है। वजह ये है कि 19-17 करने पर 224 राउंड हो जाता है। अब 18-18 लगा दिया है। अब 18-18 पर आप देख सकते हैं, ये हमने 17-19 वाला गियर निकाल लिया है। अब 18-18 पर इसकी आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दोस्तों, 18-18 या 17-18 दोनों एक ऐसे गियर हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो ज़्यादातर आपको तो दोस्तों आप देख सकते हो यार, ये एक तरफ ये वाला 18-18 है और ये दूसरी साइड वाला 17-19 है। तो मिट्टी की बारीकी आप देख सकते हो उसमें। ये वाला 18-18 है आपका और डिप्ट भी आप देख सकते हो, और ये दूसरे वाला 17-19 है।